पीएम आवास वेबसाइट और एप्लीकेशन। आज हिंदुस्तान में बढ़ती हुई आबादी की वजह से रिहाइश का मसला संगीन होता जा रहा है। हमारे मुल्क में लोगों की एक बड़ी तादाद या तो खुली आसमान तले सो रही है या कच्चे घरों में जिंदगी बसर कर रही है। कभी तंग गलियों की खस्ता हाल मकानों में आतिशगी की वाकयात होते हैं, तो कभी मकान के छत गिरने से बड़े हादसात रोनुमा होते हैं। साफ हवा और रोशनी की अदम दस्तयाबी से लोगों की सेहत पूरी तरह मुतासिर हो रही है। इन बातों को जहन में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू किया गया। आज इस स्कीम का फायदा उठाकर गरीब और कमजोर तबके को अपने पक्के मकान की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत से माली मदद मिल रही है। इस स्कीम से मुतालिक सभी खिदमात, मदद और मालूमात के लिए हुकूमत की जानिब से ऑफिशियल वेबसाइट pmaygnic.in भी बनाई गई है। आइए आपको इस वेबसाइट के बारे में बताते हैं। पीएम आवास ग्रामीण वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउजर pmaygnic.in टाइप करना है। आपके सामने वेबसाइट का होम पेज यानी मेन पेज खुल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए आपको पहले स्कीम की सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको डाटा एंट्री के ऑप्शन पर जाकर डाटा एंट्री फॉर हाउसिंग पर क्लिक करना है। आपके सामने पीएमएवाई ग्रामीण का ऑप्शन होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर देही हाउसिंग स्कीम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब फॉर्म में पूछी गई सभी मालूमात को सही तरीके से पूर करें। सभी मालूमात को दुरुस्त तरीके से भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की फहरिस्त देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए इकदामात पर अमल करना होगा। सबसे पहले देही तरक्की की वजारत की तरफ से बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको होम पेज पर स्टेक होल्डर्स का ऑप्शन नजर आएगा। आपको स्टेक होल्डर्स ऑप्शन के तहत IAY या PMAYG की लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना देही की फहरिस्त आपके सामने खुल जाएगी। यहां से आप अपना नाम और दिगर मुतालिका मालूमात चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप नीचे दिए गए एडवांस सर्च के ऑप्शन पर जा सकते हैं। यहां क्लिक करने पर आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। यहां आपको पहले रियासत, जिला, ब्लॉक और पंचायत का इंतखाब करना है। इसके बाद आपको स्कीम का नाम और माली साल का इंतखाब करना है। इसके बाद आप दिए गए ऑप्शन में से किसी एक के जरिए फहरिस्त को चेक कर सकते हैं। हल्का पंचायत में लॉगिन करने का तरीक़ाकार। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको स्टेक होल्डर्स टैब पर क्लिक करना है। यहां हल्का पंचायत के लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आप अपना माली साल मुंतखब करें। उसके बाद सारिफ का नाम, पासवर्ड, पता, कैप्चा कोड दर्ज करने का ऑप्शन होगा। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इस तरह आप हल्का पंचायत के लॉगिन कर सकते हैं। ब्लॉक पंचायत के लिए लॉगिन करने का तरीक़ाकार। सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आपके सामने होम पेज खुलेगा। यहां आपको स्टेक होल्डर्स टैब पर क्लिक करना है। अब आपको ब्लॉक पंचायत के लिंक पर क्लिक करना है। यहां आपको माली साल इंतखाब करना है। उसके बाद आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है। यहां आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही लॉगिन हो जाएंगे। जिला काउंसिल के लिए लॉगिन करने का तरीक़ाकार। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आपके सामने होम पेज खुलेगा।
होम पेज पर आपको स्टेक होल्डर्स के टैब पर जाना है। उसके बाद आपको DRDA या ZP के लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको माली साल का इंतखाब करना है। अब आपको सारिफ नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना है। जैसे ही आप यहां लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। बता दें कि आप इस स्कीम से मुतालिक सभी मालूमात रूलर हाउसिंग एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर मबनी एप्लीकेशन के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। ये ऐप देही तरक्की की वजारत की तरफ से शुरू की गई है। PM आवास ऐप सभी मुस्तफीदीन को अपने मकानात की तामीर के पेशरफ्त की इत्तला देने और माली इमदाद की अगली सतह हासिल करने भी जानकारी देती है। इस तरह करें डाउनलोड। ऐप डाउनलोड करने के लिए फोन के प्ले स्टोर पर जाएं, यहां सर्च ऑप्शन पर आवाज ऐप एप्लीकेशन टाइप करें। ऐप आपके सामने आ जाएगी। अब यहां इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद ऐप खोलें और अपनी मतलूबा खिदमात और मालूमात से फायदा हासिल करें।